आज जिस फ्रेग्रेंस में आपको रिव्यू देने वाला हूँ दोस्तों, वो मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फ्रेग्रेंस तो है ही, पर ये मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। बिकॉज जब मैंने फ्रेग्रेंस खरीदना शुरू किया था ना, मेरे अर्ली डेज में मैंने इसे खरीदा था। ये फ्रेग्रेंस है द वन एंड ओनली ज़ारा सियोल। ज़ारा सियोल एक बहुत ही कमाल का फ्रेग्रेंस है। सबसे पहले खाली मैं उन लोग का आंसर दे देता हूँ जो ये वीडियो सिर्फ इसीलिए देख रहे हैं। उनको ज़ारा का कोई एक ऐसा फ्रेग्रेंस लेना जो अपने बॉयफ्रेंड को, हस्बैंड को, किसी को भी गिफ्टिंग पर्पज के हिसाब से, तो ये फ्रेग्रेंस ब्लाइंड बाय, मतलब ज़ारा सियोल इज अ ब्लाइंड बाय फॉर गिफ्टिंग। आप आराम से इसे खरीद सकते, इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में, आपका काम हो गया। एंड जो मेरे कम्युनिटी वाले ना भाई, आप लोग के लिए तो मैं इन डिटेल डाउन देने वाला हूं, ये फ्रेग्रेंस कैसा है, कितना लॉन्ग लास्टिंग है, इसका प्रोजेक्शन कैसा है, इसको कहां पे लगा के आप जा सकते हो, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, ये कितना सेक्सी है, सब मैं आपको बताऊंगा, इंक्लूडिंग इसकी प्राइसिंग क्या पड़ रही है। अभी जो ज़ारा का सेल चल रहा है, आई होप आप लोग सेल में खरीद लोगे तो आपको थोड़े पैसे और बच जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना भाई, आपके लाइफ में ना ज़ारा का पहला फ्रेग्रेंस कौन सा था, जैसे मेरे लिए सियोल था। एंड ये वीडियो का लाइक टारगेट है 100, तो फटाफट लाइक कर दो। देखो भाई, अगर मुझे ज़ारा सियोल को आपको दो शब्दों में एक्सप्लेन करना पड़े ना, तो भाई ये है फ्रेश एंड सिट्रसी। ज़ारा सियोल एक बहुत ही कमाल का फ्रेग्रेंस है दोस्तों। इसकी खुशबू इतनी प्यारी है ना, से ओपनिंग होते ही ना आपको वो सिट्रसी फ्रेग्रेंस आने वाली है। जैसे टैंजरीन की जो खुशबू होती है ना, आपको वो आएगी, आपको एक्वा स्वीट फ्रेग्रेंस आने वाली है इसमें से। तो मतलब बेसिकली ये जो आपकी वाइब होती है ना, समर वाइब, मॉनसून वाइब, उसमें तो ये डेफिनेटली सेट करता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके नोट्स इतने प्यारे हैं ना कि आप इसको ऑल राउंड ऑल सीजन लगा सकते हो। जैसे यूजुअली मैं आपको कहता हूँ कि भाई अगर आप पार्टीज के लिए जा रहे हो समर में तो आप ये लगाओ, या मान लो मॉनसून में पार्टीज में जा रहे हो तो आपको ये फ्रेग्रेंस लगाना चाहिए, सेम गोज फॉर विंटर। बट ज़ारा सियोल इज एन ऑलराउंडर फ्रेग्रेंस व्हेन इट कम्स टू अटेंडिंग एनी टाइप ऑफ पार्टीज। अगर आप कोई इंडोर पार्टी में हो, एंगेजमेंट सेशन में हो ना, कहीं पर भी रिसेप्शन पार्टीज में हो, कोई भी क्लोज एनवायरमेंट में हो, ज़ारा सियोल बहुत अच्छा है। ऑल्सो इफ इन केस यू प्लान टू गो ऑन डेट्स और समथिंग लाइक दैट ना, ज़ारा सियोल एक बहुत ही कमाल का फ्रेग्रेंस है। मतलब यार ये नोटिसेबल फ्रेग्रेंस है, इसको अगर आप लगा के जा रहे हो ना तो आपको कॉम्प्लीमेंट डेफिनेटली मिलेगा। ज़ारा सियोल आई थिंक बैक इन द डे अराउंड 2014-15 की अप्रॉक्सिमेटली इसका लॉन्च हुआ था, एंड तब से ना ये ज़ारा का एक फ्लैगशिप फ्रेग्रेंस हो चुका है। लाइक लिटरली हर ब्रांड का ना एक फ्लैगशिप होता है, एक से तीन ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं हर ब्रांड के अंदर जो कहते हैं ना उनकी रेपुटेशन बना के रखता है, जो लोग कहते हैं कि भाई ये ब्रांड बाय। ज़ारा के लिए ना सियोल एक्चुअली उनके फ्रेग्रेंस लाइन का एक फ्लैगशिप है। ये फ्रेग्रेंस सिट्रसी है, एरोमेटिक है। लाइक लिटरली अगर आपको ये होना जिसको थोड़ा सा स्वीट टाइप का एरोमेटिक फ्रेग्रेंस पसंद है, जिसके अंदर आपको लैवेंडर की खुशबू भी आ रही है, आपका एरोमेटिक स्पाइसी खुशबू भी आ रही है, भाई आपके लिए ये फ्रेग्रेंस एकदम परफेक्ट बैठता है। जैसे इस फ्रेग्रेंस को पहली बार स्प्रे करोगे ना, तो इसके ओपनिंग नोट्स में आपको बहुत अच्छी खुशबू आने वाली सिट्रस की, आपको स्पाइसी नोट्स भी आने वाले बिकॉज इसके अंदर नटमैग भी है। नटमैग के अंदर से ना आपको वो हल्की सी वुडी, मस्की एंड ये थोड़े स्पाइसी टाइप के जो नोट्स होते हैं ना वो मिलते हैं। साथ ही में आपको लैवेंडर की जो खुशबू है ना, वो एक तरीके से हुक नोट की तरह चलती है पूरे टाइम। जैसे ही फ्रेग्रेंस थोड़ा सा और सेटल होना शुरू होता है ना, तो आपको वो स्वीट एसेंस आना शुरू हो जाएगा। हल्का बहुत आप ऑब्जर्व करोगे कि वो फ्रूटी नोट्स भी आ रहे हैं, जैसे फ्रूटी के स्वीट स्वीट नोट्स कैसे होते हैं, उसी खुशबू भी आपको आना शुरू हो जाएगी, इंक्लूडिंग एम्बर की खुशबू। अब हो सकता है यार कुछ लोग ये कहें कि यार विनीत भाई, ज़ारा सियोल मुझे थोड़ा बहुत इन्वेक्टस की याद दिलाता है। अब टू बी ऑनेस्ट, पाकुरबान इन्वेक्टस की तरह ज़ारा सियोल के भी नोट्स, यस वो लोग सिमिलर लाइन में ही चल रहे हैं, बट ज़ारा सियोल को कोई भी ना ये नहीं कहेगा कि इतना सिंथेटिक लग रहा है। पाकुरबान इन्वेक्टस बहुत सिंथेटिक है, मेरे चैनल पर उसका वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है तो पाकुरबान इन्वेक्टस बाय विनीत गौर ऐसे करके आप सर्च कर लो यूट्यूब पे, आपको वो फ्रेग्रेंस का भी रिव्यू मिल जाएगा। वो प्रीमियम फ्रेग्रेंस है, थोड़ा और महंगा आता है, पर वो सिंथेटिक फ्रेग्रेंस है, एंड सिंथेटिक फ्रेग्रेंस सब लोग के लिए नहीं होता। आई थिंक अगर आपको ये हो जो अभी अभी फ्रेग्रेंस शुरू कर रहे हो अप्लाई करने के लिए, यू शुड गो फॉर सच थिंग, आपको सिंथेटिक से हेडेक होना शुरू हो जाएगा। इतना माइल्ड, इतना प्लीजिंग है ना, लाइक किसी को भी इरिटेशन तो एकदम नहीं होने वाली। ऑल्सो ज़ारा का ब्लू स्पिरिट भी डिबेट में आता है कि भाई ज़ारा का ब्लू स्पिरिट एंड सियोल को उन्होंने काफी सिमिलर लाइन में रखा है। टू बी ऑनेस्ट, इतना सिमिलर नहीं है। जब आप इसको अप्लाई करोगे ना, स्प्रे करोगे, आपको खुद को समझ में आएगा कि ब्लू स्पिरिट से ना थोड़े ज्यादा फ्लोरल टाइप के नोट्स निकल के आते हैं। इसमें वैसा नहीं है, ये लैवेंडर का हुक नोट है इसके अंदर, है वो जो पूरे टाइम कॉन्स्टेंटली चलता है। सिट्रसी ये भी, सिट्रसी वो भी है, पर इसमें एम्बर है अच्छा खासा, जो वो पूरे बेस को मेंटेन करके रखता है। वैसे अगर कंपेयर करोगे तो भाई ब्लू स्पिरिट में आपको लेदरी वाइब जो है ना वो ज्यादा मिलती है। अब जो मेरे प्यारे दोस्त है ना, जिसे इसके नोट्स के बारे में जानना है भाई, उसे बता देता हूँ। इसके टॉप नोट में आपको मिल रहा है टैंजरीन एंड नटमैग, इसके मिडिल नोट में आपको मिल रहा है सी नोट्स एंड लैवेंडर, एंड इसके बेस नोट में है एम्बर। अब अगर मेरा प्यारा दोस्त ये बोल रहा है कि विनीत भाई मुझे नोट से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ ये बताओ कि भाई फ्रेग्रेंस कैसी है, देखो आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ, ठीक है। इमेजिन करो ऑरेंज फ्रूट, ठीक है, ऑरेंज फ्रूट को इमेजिन करो, उसकी खुशबू कैसी आती है, उसको हल्का सा स्वीट कर लो, ठीक है। साथ में आपको मैं एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे मान लो आप कोई बीच के पास खड़े हो या कोई सी वाटर के पास खड़े हो, तो सौंधी सौंधी सी प्यारी सी खुशबू आती है, यस उसको पकड़ के रखिए। जब आप ये ऑरेंज सिट्रसी खुशबू एंड ये जो फ्रेश एक्वा खुशबू आती है उसको जब आप जोड़ोगे ना, देन आपको ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि भाई ये फ्रेग्रेंस कैसा है, बिकॉज मेजर कॉम्पोजिशन वही है। यस, लैवेंडर की खुशबू एक ऐसी चीज है जो हुक नोट में रहता है। लैवेंडर बहुत कहते हैं ना यार थेरेपी टाइप ऑफ अ फ्रेग्रेंस है, आपको थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज होते हैं उसके अंदर, तो बहुत सूथिंग, बहुत काम लगता है। अब बात करते हैं भाई इसकी प्रोजेक्शन को लेकर। एंड अगर आपको हो जिसको नहीं पता है परफ्यूम के बेसिक्स क्या होता है, एंड स्क्रीन वाला वीडियो देख लो, वरना यूट्यूब पे सर्च करो परफ्यूम बेसिक्स बाय विनीत गौर, आपको बेसिक समझ में आ जाएगा। सो दैट आप कभी भी कोई लोकल स्टोर या कहीं से अगर सामान खरीद रहे हो तो आपको पता हो कि शॉप डीलर के साथ आपको क्या बात करनी है। तो भाई प्रोजेक्शन के हिसाब से अगर मैं कहूँ ना, तो जब इस फ्रेग्रेंस को पहली बार अप्लाई कर रहे हो ना, तो इसके फर्स्ट 1 आवर में ना आपको अच्छी खासी 1 फीट की रेंज मिलती है, और डिपेंडिंग अपॉन योर ह्यूमिडिटी वो रेंज 1 फीट से आधा
फीट की भी हो सकती है। मुंबई में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी रहती है, तो मैंने नोटिस किया एट सर्टन टाइम्स इसकी प्रोजेक्शन 1 फीट की नहीं मिलती है, आधे फीट की मिलती है। बट वेर एज इफ आई एम गोइंग टू थोड़ा अप नॉर्थ एरिया में, वहां पर मैं जब इसको यूज करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि भाई अच्छी खासी मुझे रेंज मिल रही है। एंड अगर इसमें बात करूँ लॉन्जिविटी के हिसाब से, तो भाई ये इजिली ना 3.5 से 4 घंटे आपके स्किन के ऊपर रह जाती है। अगर आप कपड़े के ऊपर लगा रहे हो तो 1 घंटा और रहेगी। ऑल्सो फ्रेंड्स, को कहाँ पर लगा जाना ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, यार देखो ये ऑलराउंडर फ्रेग्रेंस है, तो भले आप किसी डिनर पे जा रहे हो, आपको एक मीटिंग के हिसाब से जा रहे हो, आप वेडिंग्स पे जा रहे हो, आप ये फ्रेग्रेंस को अप्लाई कर सकते हो। ऑनेस्टली ये बहुत कमाल का फ्रेग्रेंस है। इवन इमेजिन इफ यू गोइंग ऑन अ डेट, ठीक है, किसी डेट पे जा रहे हो, ब्लाइंड डेट पे जा रहे हो, अपना इंप्रेशन झाड़ना है, भाई ये फ्रेग्रेंस लगा के जाओगे ना, हो जाएगा। बता रहा हूँ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है, ये फ्रेग्रेंस को बहुत सालों से यूज कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बाकी मेरे जितने प्राइवेट क्रू के डूड क्रू है वो समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ, वरना जो अगले फ्राइडे को जो डेटिंग वाला वीडियो आ रहा है उसमें सब समझ जाओगे। बेस्ट परफॉर्मेंस इसका इंडोर में आता है, तो आई विल हाईली सजेस्ट इफ यू आर गोइंग फॉर एन इंडोर फंक्शन समथिंग लाइक दैट, छोटा ले लो। मैंने 30 ml का ये लिया हुआ है, इजिली इसको पॉकेट में कैरी करके मैं जा सकता हूँ। मेरा 100 ml का भी ये खत्म हो चुका है, इस बार ज़ारा सेल में इसकी जो प्राइसिंग पड़ रही थी ना 30 ml की, वो ज्यादा अच्छा पड़ रहा था। मुझे ये पड़ा अराउंड ले देके 700 rupees के अप्रॉक्सीमेटली में, जो ज़ारा का सेल चल रहा था। आप भी चेक कर सकते हो, 100 ml का भी अगर ऑफर लगा हुआ है तो मैं उसका भी लिंक नीचे डाल दूंगा, 80 ml भी ऑफर अगर लगा हुआ तो मैं उसका भी लिंक डाल दूंगा। एज ऑफ नाउ सेल पीरियड में पैक ऑफ 2 अगर खरीद रहे हो ना, तो भाई प्राइसिंग बहुत वैल्यू फॉर मनी पड़ती है, बिकॉज आपको ले देके आ रहा हूँ 1600-1700 में 2 bottles मिल जाएंगी। तो आप चाहो तो इसको क्लब कर सकते हो, जैसे आप चाहो तो ब्लू स्पिरिट के साथ क्लब कर सकते हो, लाइक वॉट एवर द ऑप्शंस आर अवेलेबल, उसके साथ क्लबिंग में खरीदोगे तो आपको सस्ते में 2 fragrances मिल जाएंगे ज़ारा से। पहले एक बार बताता हूँ, वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं आपको वही फ्रेग्रेंस बताता हूँ जो यार मेरे खुद से कलेक्शन लिस्ट में, जो मैं खुद इतने सालों से मैं यूज कर रहा हूँ, मैं वही आपको बताता हूँ। इफ इनकेस आपका कोई डिमांड रहता है तो मैं चेक करता हूँ फ्रेग्रेंस कैसा है, उसको खुद यूज करता हूँ 2-3 हफ्ता, उसके बाद ही आपको रिव्यू बताता हूँ। आई एम सेइंग दिस फॉर ओनली दोस पीपल जो पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे, बाकी जो जितने मेरे चैनल के सब्सक्राइबर उनको पता ही है। तो भाई इस बात पे याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक टारगेट 100 है, जल्दी जल्दी पूरा करा दो। तो भाई WTD रेटिंग में ज़ारा सियोल इज एक्सेलेंट। तो ऑल इन ऑल दोस्तों, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आप कोई थे जो पहली बार चैनल पे आए थे, यार तो मेरा नाम है विनीत गौर, एंड मैं इस चैनल पे आपको मेंस लाइफस्टाइल ग्रूमिंग एंड फिटनेस के ऊपर वीडियो डालता हूं, जो मैं कोशिश करता हूं इंट्रोवर्ट लड़कों को एक्सट्रोवर्ट बनाने के लिए, अपना बेस्ट वर्जन बनाने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, एंड अगर आपको मेरा ये विजन अच्छा लगता है, आपको मेरे कम्युनिटी को ज्वाइन करना, तो अब जाके आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑन करो। बिसाइड दिस, इफ इन केस यू वांट मी टू मेक सम अदर वीडियोस आल्सो गाइस, प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके बता दो, ग्रूमिंग के ऊपर चाहिए, स्किन केयर के ऊपर चाहिए, प्लीज लेट मी नो आपको क्या चाहिए, मैं वीडियो बना के ले आऊंगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके जरूर रखना, बिकॉज वहाँ पे 100+ वेबसाइट्स के जब भी कोई ऑफर या सेल या डिस्काउंट आता है हम वहां पे अपडेट करते हैं, तो हो सकता है वीडियो आने से पहले जैसे ही सेल चली गई है आप फटाफट जाओगे वहीं से आपको पहले मिल जाएगा चीजें, एंड देन यू कैन कम एंड वॉच द वीडियो लेटर, तो एडवांटेज उठाओ, आप लोगों के लिए फ्री है। बिसाइड दिस, अगर आपको मुझसे बात करना है, हाईली एक्टिव ऑन ट्विटर, स्नैपचैट में तो बिहाइंड द सीन्स होते रहते हैं, थोड़े अनसेंसर्ड चीजें होती रहती है, तो वो आप वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी हमारे नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिए, अगर आपको कोई और टाइप का कंटेंट जॉनर्स देखना पसंद है, फ्रॉम ट्रैवल ब्लॉग, एंटरटेनमेंट एंड इवन न्यूट्रिशन कंटेंट, बिकॉज आई एम अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट आल्सो, तो मेरे होम फील्ड पे मेरे सारे चैनल्स के लिंक है, आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। गिव अवे भी चल रहा होता है वहां पे कहीं ना कहीं, उसमें जाइए, कुछ ना कुछ आप जीती जाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों, आप लोग जहां पर भी रहे सेफ रहे, सुरक्षित रहे, अपने घर वालों का ध्यान दीजिए। मैं मिलता हूं आपको बहुत जल्दी ऐसे कुछ और कमाल की वीडियोस के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे 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 डूड क्रू, बाय।